चलिए सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक वितान भाग दो का अध्याय दो, इसका नाम है जूझ और उसका भाग तीन। कल तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि आनंद यादव और उसकी माँ दोनों दत्ता जी राव के पास गए पढ़ाई से संबंधित बात करने के लिए, विद्यालय से जाने से संबंधित बात करने के लिए। और दत्ता जी राव ने पूरी बात समझी, आनंद यादव के पिताजी को बुलाया और विद्यालय जाने की अनुमति आनंद यादव को मिल गई। अब इसके आगे, अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा, ना पास नहीं हुआ कभी। ना पास का मतलब होता है फेल होना, ठीक है, अनुत्तीर्ण होना। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसीलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूं। अब भी कौन पूछ रहा है? दत्ता जी राव ही पूछ रहे हैं कि कभी तो नापास तो नहीं हुआ, अनुत्तीर्ण तो नहीं हुआ, फेल तो नहीं हुआ अपनी कक्षा में। तो कह रहा कि आज तक मैं कभी भी फेल नहीं हुआ हूं, वो तो मैं स्कूल गया नहीं इसीलिए परीक्षा नहीं दे पाया। अच्छा अच्छा, अब तो घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। ये किसके लिए कहा जा रहा है पाठशाला जाने की बात? कौन बोल रहा है ये? दत्ता जी राव जी। मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ? पिताजी ने शिकायत करी थी ना आनंद यादव की कि ये फिल्में देखने चला जाता है, कंडे बेच देता है। तो उसने कहा था कि मैं एक ही बार गया था। तो यहाँ पर दत्ता जी राव आनंद यादव के पिताजी को समझा रहे हैं। आनंद यादव तो चला गया लेकिन चलते चलते फिर भी वो सुन रहा है कि मेरे बारे में क्या बोली जा रही बातें। तो दत्ता जी राव आनंद यादव के पिताजी को समझा रहे हैं कि एक बच्चे हैं, एक आधी बार अगर फिल्में देखने या सिनेमा देखने चले गए तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, बच्चा है तो खेलेगा भी है, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? कह रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे खेलेंगे भी, सिनेमा देखने भी जाएंगे, बच्चे हैं तो बच्चों जैसे नटखटपन तो करेंगे ही करेंगे, तो ऐसी बातों के लिए, इन छोटी छोटी बातों के लिए क्या इसको जाना बंद करवा दिया जाता है? ये कौन समझा रहा है? दत्ता जी राव आनंद यादव के पिता को। आनंद यादव के पिता का नाम मैंने आपको कल बताया था, क्या था? रत्नप्पा। याद रखनी है ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है जी। आप कहते हैं, अब ये जी कौन बोल रहा है यहाँ पर? आनंद यादव के पिता रत्नप्पा। आप कहते हैं तो भेज देता हूं कल से। कहां भेज देता हूं? विद्यालय। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। साथ में कह भी रहा है कि एक आध साल में भेज देता हूं, सुधर गया तो ठीक है। दादा ने मन मारकर कहा, खुशी खुशी नहीं कहा, मन मारकर के कहा कि ठीक है मैं इसको भेज दूंगा। इस समय उसका कोई बस नहीं चल सका। किस समय? जिस समय दत्ता जी राव के पास जाकर के ये सारी बातें हुई, तो वहां वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सका। घर में तो माँ और बच्चा जो है आनंद यादव जो है वो पूछ भी नहीं पाए डर के मारे, स्कूल जाने की बात भी नहीं कर पाए क्योंकि पता था कि गुस्सा करेगा, मारेगा, पीटेगा। लेकिन यहाँ दत्ता जी राव के सामने वो इस तरह का कोई भी अपना मन के अनुसार कोई भी काम या कोई भी बात नहीं बोल सका। मन तो नहीं कर रहा था स्कूल भेजने का, लेकिन यहाँ पर किसने कहा है? दत्ता जी राव ने कहा है। बड़े सम्मान की बात है और मानते होंगे लोग उनकी बातें, तो इसलिए वो उस बात को टाल नहीं सका और मन मार करके हाँ कहा। क्या हाँ? जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। अब विद्यालय जाने की तो अनुमति मिल गई। अब आगे देखो घर में क्या हो रहा होगा। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। अब कई सारे क्या ले जा रहे हैं? शर्तें। माने वचन तो क्या होंगे? ये शर्तें हैं विद्यालय जाने की, ठीक है। बहुत सारे वचन मांगे। पाठशाला 11 बजे होती है, क्या बोले पिताजी ने आनंद यादव को? बहुत सारे वचन लिए कि तू ये काम करेगा तो ही तुझे स्कूल भेजूंगा। और एक तरफ से हम कह सकते हैं कि पिताजी की शर्तें हैं कहां जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। पहला कि पाठशाला 11 बजे शुरू होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। स्कूल कितने बजे शुरू हो रहा है? 11 बजे, तो उससे पहले कहां जाना है? खेतों में, ठीक है। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। 11 बजे तक खेतों में क्या लगाएगा? पानी लगाएगा। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना है, खेत से घर भी नहीं जाना खाना खाने, कहां जाना है? सीधे पाठशाला। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। जब सुबह खेत में आएगा तो बस्ता भी कहां जाएगा? साथ में खेत में ही जाएगा। छुट्टी होते ही देखो ये यहां पर ये होंगे दत्ता जी राव,
ये हो गया उसका पिताजी और ये बेचारे यहां देखो डरा सहमा सा आनंद यादव। ठीक है, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, ढोर मतलब जानवर गाय भैंस चराना, और कभी खेत में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, समझे? मंजूर है का? किस बात की मंजूरी? मंजूर है या नहीं है? क्या करना है 11 बजे से पहले? खेतों में जाना है। खेतों में क्या करना है? फिर बस्ता कहाँ लाना है? सीधे खेत में, और फिर उसके बाद सीधे वही खेत से सीधे विद्यालय, विद्यालय से फिर वापस आकर के आकर के आ घंटा भर, 1 घंटे का क्या करना है? जानवरों को चराना है। और अगर खेतों में कभी ज्यादा काम होगा तो विद्यालय में छुट्टी भी करनी है, गैर हाजिरी भी रहना है। अगर ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो फिर तुम कहाँ जा सकते हो? हाँ, हामी भरी किसने? आनंद यादव ने। खेत में काम होगा तो गैर हाजिरी रहना ही चाहिए। पिताजी से कह रहे हैं उनके हाँ में हाँ मिला रहा है। हाँ ठीक है, मैं छुट्टी कर लूंगा। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें क्या हैं? मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था, आनंद यानी कि खुशी से उमड़ रहा था, उछल रहा था। किस बात की खुशी थी? पाठशाला। अब आपसे पूछा जाएगा कि आनंद, जो आनंद यादव थे, उनका मन आनंद से क्यों उमड़ रहा था? कहाँ जाने के लिए उमड़ रहा था? तो कहाँ जाने के लिए? खुश हो गया ना, उत्साहित हो गया कि कहाँ जाने का मौका मिल गया, क्योंकि वो तड़प थी। सबसे पहली पंक्ति क्या थी? पाठशाला जाने के लिए मेरा मन तड़पता था। तो वो जो तड़पन थी वो सब क्या हो रही थी? अब खत्म हो रही थी। कहाँ जाने का मौका मिला था? विद्यालय। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना। अगर ये सब मंजूर है, ऊपर की शर्तें कि खेतों में काम करना है, ज्यादा काम होगा तो छुट्टी भी लेनी है, पानी भी लगाना है, जानवरों को भी चराना है, स्कूल भी जाना है, ठीक है? नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? नहीं तो पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं है, और फिर तुझे भेजूंगा भी नहीं। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। हामी भर रहा है कि ठीक है ठीक है, मैं सुबह भी खेत में आऊंगा और शाम को भी खेत में आऊंगा। दिन का जो समय बचेगा मैं कहाँ जाऊंगा? पाठशाला जाऊंगा। हाँ यदि नहीं आया किसी दिन, अब पिताजी देखो बोल रहे हैं, हाँ यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहां मिलेगा वही कुचलता हूँ, यानी कि वही मारूंगा तुझे। कि नहीं, तुझे तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है। किसके ऊपर पड़ने का भूत सवार है? हाँ मुझे मालूम है, बालिस्टर नहीं होने वाला है। बालिस्टर यानी कि, ये तो क्षेत्रीय भाषा में बोला गया है बालिस्टर, बालिस्टर यानी कि बैरिस्टर, बैरिस्टर यानी कि से बहुत बड़ा वकील, ठीक है, बहुत बड़ा। मुझे मालूम है कि बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, यानी कि पढ़ लिख करके तू बहुत कोई बड़ा वकील नहीं बनने वाला है। जहां मिलेगा, खेतों पे समय से नहीं आया, जो शर्तें हैं वो मानी नहीं, तो रास्ते में जहां मिलेगा वही क्या करूंगा? खूब मारूंगा। दादा बार बार कुर कुर कर रहा था, कुर कुर यानी कि हल्ला मचा रहा था, शोर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मन नहीं था ना उनका कहाँ भेजने के लिए, मन मार के भेजा, क्योंकि दत्ताजी राम ने कहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था। अब क्या कर सकता था? चुप ही रह सकता था। बड़ी मुश्किल से कहाँ जाने का मौका मिला। फिर उसके बाद रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। रोते धोते भी पाठशाला शुरू फिर से हुए कि नहीं? जैसे कैसे देखो, पहले एक गुप्त रूप से एक प्लान बनाया गया कि जाएंगे दत्ताजी राव के यहाँ, चुपके से बोलेंगे, पिताजी को नहीं बताना है कि हम यहाँ क्यों आए थे। फिर दत्ताजी राव भी उनके सब षड्यंत्र में शामिल हो गए कि ठीक है थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना, तुझसे पूछूंगा तो झूठ नहीं बोलना। तो जैसे कैसे आनंद यादव को कहाँ जाने का मौका मिल गया, कैसे पहुंचा विद्यालय, वो सब तुमने सुन लिया। अब स्कूल जाने के बाद क्या हो रहा है, स्कूल में किस तरह का व्यवहार है देखो। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। अब वो खुश हो रहा है कि सुबह से लेकर के शाम तक मैं खेतों में ही काम करता रहता था और कहाँ जाने का मौका नहीं मिलता था? स्कूल। चक्की पीस जाने मतलब चक्की होती है, उसमें अगर गेहूं डालेंगे तो वो क्या होगा? बिल्कुल पीस करके आएगा आटे के रूप में बाहर। तो ऐसी चक्की किसकी पीसी हुई थी? यानी कि बहुत अधिक उम्र से अधिक काम उसको करवाया जा रहा था, और जिससे वो बहुत परेशान था। मन तो कहाँ लगा हुआ था? विद्यालय में। और काम भी पिताजी खुद तो रहते नहीं थे, इधर उधर घूमते रहते थे, और सारा खेतों का काम कौन करता था? हाँ, तो चाहे वो सर्दी हो, मौसम कोई भी हो, खेतों में कौन जाएगा? आनंद यादव जाएगा। खुश हो रहा था कि कम से कम खेतों के काम से तो मुझे क्या मिला, कुछ घंटे जो बीच के स्कूल जाने के हैं वो घंटे जो है मेरे क्या हो गए?
बच गए, शांति से पेड़ की छाव के नीचे, कक्षा के नीचे तो बैठा रहूंगा, खेतों में तो गर्मी के मौसम में अगर जून के महीने में खेतों में जाना पड़े तो कोई बच्चा कैसे कर सकता है काम, लेकिन करता होगा, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो कैसा भी मौसम हो उसको खेतों में ही रहना था और खेतों में ही काम कर। तो उनको, आनंद यादव को इन सबसे क्या मिल गया था, छुटकारा मिल गया था। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी भी की मार अच्छी लगती थी। किस चक्की की, कौन सी चक्की बात की जा रही है यहाँ पर, खेतों में जो काम बहुत अधिक था उससे तो अच्छी क्या लगी आनंद यादव को, मास्टर जी की छड़ी, उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। मास्टर जी मारते भी थे तो मैं पहले उसको क्या कर लेता था, आराम से सहन कर लेता था। एक डंडा मारेंगे, दो मारेंगे, तीन मारेंगे, कितना मारेंगे, और वहां खेतों में तो दिन भर मरी रहे गर्मी में सर्दी में धूप में। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। दोपहर में भी तो खेतों में ही रहना था, लेकिन वो समय आप कहां बीत रहा था, पाठशाला में बीत रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए, गर्मी के जो 2 महीने थे वो बड़े ही आनंद में बीते, बड़े अच्छे से बीते। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा, कहां बैठने लगा, 5वीं में। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, क्योंकि जब 5वीं में स्कूल छुड़वा दिया गया था फेल तो नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, नापास हुआ, पास तो फेल नहीं हुआ लेकिन स्कूल छुड़वा दिया गया था, इसी के लिए उसी क्लास में आगे उसको वापस से बैठा दिया गया। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था, क्योंकि 1 साल का क्या हो गया था, गैप हो गया था ना बच्चे का, वो जा नहीं पाया था स्कूल। तो उस कक्षा में, जिस कक्षा में बैठा था, सिर्फ जान पहचान के कितने बच्चे मिल रहे थे, 2, बाकी सब नहीं। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, अब जो उसके साथ रहे होंगे कक्षा में तो वो तो अगली कक्षा में चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था, अब उम्र में भी तो उससे क्या होंगे, छोटे होंगे, उसको लगता था कि इन सबसे मैं बड़ा हूं तो अक्ल या बुद्धि भी मेरी क्या होगी, इनसे ज्यादा होगी, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा, छोटे बच्चों के साथ, है ना। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई, मन खट्टा हो गया। मन खट्टा का मतलब क्या समझते हो, ये एक मुहावरा है, मन खट्टा यानी कि मन हट जाना, मन में घृणा पैदा हो जाना। मन कहां से हट रहा था अभी फिलहाल, कक्षा में, कि छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, मेरे साथ का भी कोई नहीं है। और उससे पहले यहाँ क्या हो रहा था, अभी ऊपर खुशी मना रहा था कि कम से कम मुझे क्या होगा, वो दिन दोपहर खेतों से तो काम से तो मुझे छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर उसका मन खट्टा हो रहा, मन में घृणा पैदा हो रही है, मन हट रहा है किस चीज से, अपनी कक्षा को देख करके, कि अपने से कम उम्र के साथ बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, जान पहचान का भी कोई नहीं है। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा चुपचाप से, क्योंकि नया नया लगा, सब नए बच्चे, जान पहचान का कोई है ही नहीं, तो बेचारा एक कोने में जाकर के बैठ गया। मास्टर कौन है, यानी कि टीचर कौन है, अध्यापक कौन है, इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। अब जो पुरानी कॉपी किताबें रहेंगी ना, तो कक्षा 5 की जो छोड़ करके चला गया था, वही पुरानी कॉपियां भी किताबें भी वो अपने एक कपड़े के, लट्ठा एक तरह का कपड़ा होता है, ठीक है, सूती कपड़ा, और उस सूती कपड़े के बैग में वो अपनी पुरानी कॉपी किताबों को भर करके कहां आ गया, विद्यालय आ गया। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, बता रहा है कि ऐसा मैं अपने आप को महसूस कर रहा था जैसे बस अड्डे में एक बच्चा हो, उसके पास एक पोटली हो और वो उसे बैठ के क्या कर रहा हो, इंतजार कर रहा हो बस के आने का। तो मैं भी ऐसे ही अपने आप को वहां पर बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, अपने उस बस्ते को देख करके। उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर, पुरानी धरोहर किसके लिए कह रहे हैं, अपनी पुरानी किताब कॉपी और बस्ते के लिए संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान, अब तक देखो ऊपर कह रहा है कि मास्टर जी कौन है, सब अपरिचित लग रहे हैं, सब नए से लग रहे हैं, कोई भी जाना पहचाना नहीं है। तो यहाँ पर अब एक बच्चा कह रहा है कि क्या नाम है मेहमान, मेहमान कौन होता है जो नया नया कभी कभी हमारे घर में आता है, नया दिखाई देता है, या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो, कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चव्हाण के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। अब एक पात्र और आया है, इसको भी अंडरलाइन करोगे, कक्षा का सबसे शरारती बच्चा, चव्हाण का लड़का बेटा,
ठीक है, उसने उसकी मजाक उड़ाई, मजाक उड़ाते हुए, और भी मेहमान तू क्या गलती से आया है यहाँ, ये सारी बातें पूछ रहा है। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक यानी कि जो पहनावा है, मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। अजनबी यानी कि सारे बच्चों का ड्रेस एक जैसा हो और कोई एक नया बच्चा आ जाए तो उसकी ड्रेस बिल्कुल कैसी थी, अलग सी थी। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। तो उसका पहनावा भी याद रखोगे, मटमैली हुई यानी कि जो गंदी जिसमें धूल मिट्टी लगी हुई है, लाल रंग की मिट्टी सनी हुई है पूरे कपड़ों में, उस कलर की क्या पहनी है, धोती पहनी है और गले में क्या है, गमछा है। गमछा क्या होता है, सूती एक तौलिया, कपड़ा तौलिया जैसा, ठीक है। गमछा पहनकर मैं अकेला ही था, बाकी सबकी एक अलग सी क्लास थी। देखे देखे तुम्हारा गमछा, अब शैतान है तो उसका गमछा क्या कर लिया, से छीन लिया। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया, किसने, हाँ तो ये याद रखना आप लोग, गमछा कितने लिया उसका कक्षा में, गया मेरा गमछा। बेचारा सोच रहा है कि मेरा गमछा गया, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा, उसको लग रहा है, किसको, आनंद को, कि मेरा गमछा फट गया। उस मन में मैं यह सोचकर रुआसा हो गया, रुआसा का मतलब है रोने जैसा, रुआसा हो गया। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, कैसा नहीं हुआ कि गमछा यहां से उठाया, यहां फेंका, वहां फेंका, वो बेचारा लपक रहा है यहां वहां और मेरा गमछा फट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया, कहां लपेट लिया, सिर पर, और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए की आवाज की, मास्टर जी की नकल करने लगा, हो सर पर गमछा पहना, कुर्सी पर बैठा, सर पर हाथ फेरा और चुप रहने को बोल रहा है। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा, गुंडा किसके लगाया जा रहा है, हाँ, झट से अपनी जगह पर आ बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रह गया, गमछा कहाँ रह गया, और मास्टर जी अंदर आ गए। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी, डर लग रहा है, मास्टर जी जो है देखेंगे गमछा किसका है, पूछेंगे तो अब क्या होने वाला है। दिल की धड़कने कब बढ़ती है, जब हमें क्या लगता है, डर, और छाती में धक धक होने लगी, हृदय जो है वो क्या करने लगा, डर के मारे और भी ज्यादा गति से धड़कने लगा।